मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। राकेश सावंत एक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड फिटनेस सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है और मेरे साथ में मिस्टर इंटरनेशनल रूपक चैनल मौजूद है, मैं क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का इंस्टीट्यूट का है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि राकेश ने बहुत अमेजिंग कांगड़ा सिटी को दी है जो कि एक्टिंग और मॉडलिंग इंस्टीट्यूट विद फिटनेस सेंटर, क्योंकि जितने भी यहाँ के टैलेंटेड लोग हैं सबको बाहर जाना पड़ता है एंड जब आप बाहर जाते हैं तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आप घर से दूर रहते हैं, देन होम सिकनेस होती है, धीरे धीरे करके यू नो यू लूज दैट इंटरेस्ट, जो पैशन होता है वो धीरे धीरे करके डाई कर जाता है, बट आप अपनी सिटी में रह के अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ आप इतना अच्छा यू नो यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। और राकेश जी तो इस इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं, उनकी सिस्टर एक्टिंग और मॉडलिंग और स्पेशली डांसिंग के अंदर में इतनी प्रोफेशनल है, देन यू नो उनके जितने भी लिंक्स हैं, जैसे आज गुलशन ग्रोवर जी आए जो कि एक्टिंग में लेजेंड माने जाते हैं, मैं आई हूँ फ्रॉम द मॉडलिंग फील्ड, सो उन्होंने बहुत अच्छा एक लाइनअप बनाया हुआ है कि कैसे कैसे करके लोगों को इन्वाइट करना है और तभी लोगों का यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में फेथ और बढ़ेगा। बिल्कुल, आप मुझे खुद बताइए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट ने इतने बड़े सेलिब्रिटीज को यहाँ बुलाया, मॉडलिंग से मिस वर्ल्ड पीस, इंग्लिश वर्ल्ड, मिस ग्लोब इंटरनेशनल, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस तरीके का कोई इनॉग्रेशन करने आऊँ, ना ही आप राखी जी आई है, क्योंकि आप अगर वादे करते हैं कि हम आपको मॉडलिंग में डालेंगे, एक्टिंग में डालेंगे, बट आपके पास में लाइनअप ही नहीं है, आपके पास में लिंक ही नहीं है। राकेश जी ने पहले दिन में ही ये साबित कर दिया कि उनके कितने स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं बॉलीवुड से और वो खुद एक प्रोडक्शन हाउस उनका खुलता है, तो इससे यू नो आपका एक बिलीफ आ जाता है कि हाँ यार ये इंसान ने जो प्रोजेक्ट किए इनका काम जेन्युइन, क्योंकि ओपनिंग वाले दिन में ये लोग आए हैं एक्टिंग के आगे सिखाने वाले कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अलग अलग जॉनर के लोग इसके साथ एसोसिएट होते हैं, बाकी लोगों ने मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा प्रमोशन नहीं किया है। वादे सब करते हैं, वादे सारे दो करते हैं, उसे निभाना मुश्किल है। मैं टिप्स यही देना चाहूँगी कि मॉडलिंग और एक्टिंग लाइन में बहुत बात होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है, पैशन की जरूरत होती है, एक जुनून चाहिए आपके अंदर कि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम नो मैटर आपको क्या प्रोजेक्ट मिल जाए या फिर आपको कितना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी और टैलेंट अलग हो सकता है, एंड आई विश देम ऑल द वर्क, हार्ड वर्क कीजिए, अपने ड्रीम को चेस कीजिए, फॉर श्योर आप सक्सेसफुल। सो में से 95% को लौटते हुए वापसी का टिकट पकड़ता है, 5% शायद अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं, मुश्किल से 1% बंदा बॉम्बे शायद इस बॉलीवुड में चल पाता है, तो क्यों क्या वजह है, टैलेंट की कमी रहती है या पैसे की कमी रहती है? इसका मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी, हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है तो हर एक चीज़ के लिए 100 people are waiting, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन एज वेल, एंड यस ये इतनी ग्लैमरस लाइन है कि सब लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आर्ट में टैलेंट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड लक, ये सारी चीजें। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आई हैव अचीव्ड अ लॉट बट देयर इज लॉट टू गो, सो द स्टार्स, द स्काई इज द लिमिट, जितना चाहे मेरे अंदर में टैलेंट होगा मैं उतना ज्यादा अचीव करूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मेरा सामान है इस ग्रुप वाले सर खाना जी, मैं कह रहा हूं कि सामान एक्टिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन आज हुआ है, उम्मीद करते हैं आगरा से प्रतिभाएं निकलेंगी और बड़े नामों के साथ जो है यहाँ पे कमाएंगे। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बगे।